एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपनी बेटी का वार्डरोब शेयर कर रही हूं, तो मैं आपको दिखाना चाहती हूं कि किस तरीके से मैंने उसके कपड़े ऑर्गेनाइज किए हैं। ज्यादा ऑर्गेनाइजर वगैरह का मैंने यूज नहीं किया है, उसके बावजूद हम सिंपल तरीके से कैसे टू डोर वार्डरोब में हम कपड़े ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए हम टूर स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा थ्री डोर का वार्डरोब है, जिसमें मैंने टू डोर वाला जो पोर्शन है ये मैंने अपनी बेटी के लिए रखा है, बाकी जो एक वाला जो पोर्शन है उसमें मैंने दूसरे सामान रखे हैं। तो चलिए हम ओपन करते हैं। तो ये वाले जो वार्डरोब था मेरा, इसमें कुछ पार्टीशंस थे, इसमें ज्यादा पार्टीशन है। आप देख सकते हैं कि ये बीच में भी एक तरफ पार्टीशन है और यहाँ पे भी एक पार्टीशन है। तो इसमें क्या है, बच्चों के कपड़े छोटे छोटे होते हैं, तो ये इस तरीके से प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते काफी अच्छे से बनता है। तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहती हूँ जो फर्स्ट वाला जो है, इसका शेल्फ है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं, तो इसके जितने भी जो बैग्स हैं, ये पीछे भी आप देख रहे हैं यहाँ पे बैग्स रखे हुए हैं। तो जो भी बैकपैक वगैरह हैं, इसके पर्स हैं लावी के, वो सब मैं यहाँ पे रखती हूँ। ये काफी ब्यूटीफुल सा है, तो मैंने इसे सामने रख दिया है। इसके पीछे आपको एक ये डिब्बा दिख रहा है, जो ये बॉक्स है जो कार्टन है, इसमें कुछ श्रग वगैरह हैं। ये मेरे हैं, लेकिन यूजुअली लावी कभी कभी पहन के ऐसे ही खेलती रहती है, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ पे बॉक्स में रख दिया है। और ये बॉक्स को क्योंकि मैंने कवर नहीं किया है करके मैंने यहाँ पे ये बैग रख दिया है। काफी ब्यूटीफुल सा है। और जो भी सारे बैग्स जो मिले हैं, ये जितने आपको दिख रहे हैं, ये सब लावी को बर्थडे में गिफ्ट्स वगैरह में मिले हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, छोटे से बड़े बैकपैक सब है। एक तरफ ये वाला है, मिनी माउस वाला है, एक ये ट्रांसपेरेंट सा है, एक ये वेलवेट वाला है, और ये एक और बैकपैक है। तो इस तरीके से इसके कुछ बैकपैक्स वगैरह। तो ये भी जो बैकपैक है रेनबो वाला, ये काफी ब्यूटीफुल है, उसको यूनिकॉर्न थीम की चीजें काफी पसंद है। तो इस तरीके से मैंने इसे सामने से डिस्प्ले पे रख दिया, काफी अच्छा दिखता है। ना हम नीचे आते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी फ्रॉक्स हैं। तो जो भी फ्रॉक्स हैं वो मोस्टली मैंने सारी शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे। तो ये जो है, ये डेली वियर के हिसाब से कैजुअल वियर फ्रॉक्स हैं, जो समर में यूजुअली ज्यादा यूज होती हैं। तो इस तरीके से निकालने में ईजी होता है और सारी दिखती रहती हैं सामने से। तो ये एक इसका जम्प सूट है। तो इस तरीके से सारी फ्रॉक्स हो गई। ये वाली जो है फ्रॉक्स हैं, ये थोड़ी नए में है, जैसे कभी बाहर बाहर घूमने गए तो ये कुछ जो है मैंने पार्टी वियर सामने ही रखे हैं। तो यहाँ पे जो आप दो ये ब्लू कलर के देख रहे हैं, ये इसके स्कर्ट हैं, सिर्फ उसके पास दो ही स्कर्ट हैं, तो वो भी मैंने यहीं पे रख दिए हैं। तो ये सारे इसका जो पोर्शन है, ये वाला जो है ये फ्रॉक का है। इसके बगल में हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़े से हैंग करने के लिए जगह दी हुई है। तो हैंगर्स मैंने कुछ रखे हुए हैं, जो हैंगर है ये मैंने डीमार्ट से खरीदे हैं। और इस पे जो आप देख सकते हैं, ये जो है दो जो है ये उसके शॉर्ट्स हैं। तो शॉर्ट्स जो है थोड़े से हैं नीचे, फोल्ड करके रखने से दिखते नहीं, इसलिए मैंने इसे हैंग कर दिया है। और यहाँ पे जो है ये एक एक में दो से तीन जो है आप देख सकते हैं लेगिंग है, और इसकी स्टॉकिंग्स है जो फ्रॉक के साथ पहनने के लिए काम में आती है। तो इस तरीके से ये स्टॉकिंग्स भी जो है वो जो फोल्ड करके रखने से गुम ना हो जाए करके मैंने ये सब हैंग करके रखा है। अब इसके नीचे आते हैं, तो नीचे जो है ये सबसे ये पीछे वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सारे बॉटम वियर हैं, जो ऊपर है उसके अलावा जो है बॉटम वियर लाइक जीन्स जैगिंग वगैरह है, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे रख दी हैं। और इसके यहाँ पे जो पीछे है, यहाँ पे उसके कुछ फुल स्लीव टॉप्स हैं। और ये वाले जो टॉप्स हैं, ये सारे जो है इसके घर में डेली यूज के लिए हैं, और ये बाहर जाने के हिसाब से। तो इस तरीके से मैंने पार्टीशन करके यहाँ पे रख दिया है, और ये काफी इजी रहता है निकालने में। यहाँ पे बॉटम वेयर हो गए, यहाँ पे इसके टॉप्स हो गए, और बगल में इसकी फ्रॉक हो गई। तो ये पार्टीशन, ये जो बीच में पार्टीशन है, इसकी वजह से ये काफी अच्छे तरीके से अरेंज रहता है। तो ये इस तरीके से ये ऊपर का पोर्शन हो गया। यहाँ पे नीचे एक ड्रॉर दिया है, लेकिन वो लावी का सामान मैं वहाँ पे नहीं रखती हूँ, वहाँ पे मेरा कुछ पर्सनल सामान है। अब हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक कार्टन दिख रहा है छोटा सा। यहाँ पे इसके यूनिफॉर्म सब रहते हैं, इसे मैंने बॉक्स में भर के रख दिया, जो यूजुअल जो फिलहाल तो अभी यूज में नहीं आ रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे जो है ये विंटर वेयर है इसके। तो विंटर वेयर में जो ज्यादा यूज होते हैं उसको मैंने सामने तरफ रख दिया है। जैसे ये जैकेट है, ये फुल सा है, ये जो जैकेट है ये मैंने हॉपस्कॉच से मंगाया था। और यहाँ पे एक और जैकेट है जो ज्यादा ठंड के हिसाब से मैंने ये रखा है। और यहाँ पे और स्वेटर्स हैं, कुछ पुलोवर्स वगैरह जो हैं, ये इसको गिफ्ट भी मिला था लावी को। इसके पीछे भी जो है यहाँ पे कुछ और जो है विंटर वेयर वाले हैं, ये श्रग जो मैंने शेयर किया था, और कुछ गिफ्ट्स वगैरह में मिले जो है विंटर वेयर वाले जो ड्रेसेस हैं, सब विंटर वेयर जो है वो यहीं पे आ गए हैं।
तो इतने विंटर वियर सारे कपड़े इसके यहाँ पे आ गए हैं। उसके नीचे हम आते हैं, उसके नीचे जो है यहाँ पे सारा पार्टी वियर है। तो पार्टी वियर को यूजुअली यूज नहीं होते करके मैंने सबको पैकेट्स में रखा है ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना आए। कुछ जो है वो इस तरीके से वो कवर के साथ आए थे तो उसको मैंने कवर में ही रखा है, बाकी जिस पे कवर नहीं थे उसको मैंने इस तरीके से साड़ी के जो जिप लॉक बैग्स आते हैं ये अमेजोन से मैंने खरीदा था, इसकी भी मैंने वीडियो शेयर की थी, उससे मैंने खरीदा था। तो उसमें मैं इसके फ्रॉक्स भी रखती हूँ, कुछ अपने साड़ी भी रखती हूँ। तो इस तरीके से इसके सारे पार्टी वियर वाले जो है ड्रेसेस इस तरीके से मैंने सारे रखे हुए हैं। बहुत सारे जो ड्रेसेस हैं इसको मैंने ऑलरेडी अपने वीडियो पे शेयर किया हुआ है। कुछ इस तरीके से जैसे आते हैं ड्रेसेस जो बाहर पहनने वाले हैं उसको ये बॉक्स में रख देती हूँ। तो इस तरीके से सिंपल तरीके से काफी ये ऑर्गेनाइज रहता है। इस तरीके से जो हो गया ये पूरा पार्टी वेयर का सेक्शन हो गया, उसके ऊपर जो है यूनिफॉर्म और विंटर वेयर हो गए, और इसके ऊपर सारे जो है उसके कैजुअल वेयर्स हैं, फ्रॉक्स, और इधर पे आप देख सकते हैं टॉप वगैरह है, और यहाँ पे उसके सारे बैग्स आ गए। तो ये टू डोर वार्डरोब में मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है सारा जो कपड़े हैं अपनी बेटी के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।